तो साथ फिर एक ऐसा मुकाम आया कि जहां पर एक नया मोड़ आया जिंदगी के अंदर देवानंद साहब उनसे मुलाकात हुई तो देव साहब ने अपने कहा हाय धीरज आई एम गोइंग टू मेक यू समथिंग आउट आउट ऑफ़ ऑफ़ द बॉक्स एंड यू आर गोइंग टू बी बिग स्टार तमान एंड ऑफकोर्स राखी मगर साहब अगर जीना तवान है राखी है आप हैं तो मैं क्या हूँ अरे बोले भाई यू आर द मोस्ट हैंडसम विलन अब विलन सुनते ही पाँव की जमीन जो है वह खदक गई अरे भैया हीरो से विलन अब बड़ा मुश्किल होता है सच्चाई ये बड़ा मुश्किल होता है अब हर इंसान हीरो बनने के लिए आता है अब हीरो से विलन बनने का रास्ता लेकिन देर साहब जबरदस्त थी वो जो बात करते थे जो उनका अंदाज था तो जो उनकी एनर्जी थी Hats off to देव उन्होंने ऐसा कन्विंस किया कि हीरा पन्ना में धीरज कुमार के अध्याय की और वो थी अच्छी खासी चली तो जो ऑफर्स आ रही थी वो सारी विलन की आ रही थी लेकिन मन में यह था कि यार धीरज कुमार तुम दिल्ली से आए हो रामज नंबर टू से पढ़े हुए हो वहां से पढ़ने का का के बाद उस जमाने में सच बात यह है तो कोई विलन नहीं बनना चाहता था मगर अब जैसी ऑफर आ रही हैं उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो एनी हाउ उसके साथ साथ कुछ फिल्में हमारी ऐसी आई जो विलन की लीक से हटकर थी जैसे एक फिल्म आई बासु चटर्जी साहब की स्वामी जिसे हेमा मालिनी की जो मदर आ, थी जिया चक्रवर्ती जी उन्होंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उसमें मेरा बहुत ही मीठी रोल था और एक बहुत ज़बरदस्त गाना उसका काकर सजनी आयना बालम जो यशुदा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री के हैं जो लेखक भी थे प्रोड्यूसर भी थे डायरेक्टर भी थे सब कुछ थे ऑल ऑल सिक्स इन वन कम्बाइंड थ्री इन वन में तो गाना उनका लिखा हुआ था तो फिल्म चली फिल्म में, में मेरी सराहना बहुत हुई लोगों ने पहली बार ये कहा कि नहीं यार धीज कुमार तुम बड़ी अच्छी नेचुरल एक्टिंग करते हो और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार सेट पर गया तो बासुदा ने मुझे देखते हुए कहा कि भाई सुना है धीरज तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो तो मैंने एक आस्था से कहा हाँ बादशुदा बस कर हाँ लेकिन मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना तो <laughs> बैक, भाई एक्टिंग मत करना का मतलब क्या होता है कहते हैं भाई मेरी फिल्में नेचुरल रहना जितना नेचुरल रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा एंड वाकई मैं ये कहना चाहूँगा कि बासुदा की वो बात मुझे आज तक याद है कि द मोर यू आर नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इट इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर यू बिकॉज इट इज डिफ़िकल्ट नॉट टू एक्ट एंड इट इज़ वेरी इज़ी टू एक्ट इन फ्रंट द कैमरा जैसे संजीव कुमार साहब बलराज सहनी साहब मोतीलाल साहब और आज के दौर के अगर हम एक्ट्रेस की बात करें नसरुद्दीन साहब अपना फरहान